सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा ईयर ब्लेड के बारे में। इंडिया में क्या आने वाली है, कब तक आने वाली है, क्या प्राइस होने वाली है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइस, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but सो गाइज, अगर बात करें एयर ब्लेड की तो एग्जैक्टली ये है क्या। तो गाइज, एक तरह से कह सकते हो होंडा की तरफ से मैक्सी स्कूटर का सेगमेंट है ये। इसमें क्या होता है कि एयर ब्लेड 125 या एयर ब्लेड 150, दोनों में से दोनों जो है वेरिएंट है वो होंडा प्रोवाइड करती है। इसमें आता है आपको फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है ये, और साथ ही साथ 125 और 150 सीसी के वेरिएंट में आती है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इंडिया लॉन्च की और बाकी चीज़ों की। उससे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताया तो 150 सीसी का जो इंजन जिसमें आता है उसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होती है, और जो 125 सीसी वाला इंजन होता है उसकी टॉप स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर या 95 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये जो मॉडल देख रहे हो 125 सीसी का है, लेकिन सेम मॉडल 150 सीसी में भी आता है। उसमें ज़्यादा कुछ चेंज होता ही नहीं है, बस थोड़ा सा लोगो वगैरह चेंज हो जाता है 150 बोल के, उसके अलावा बिल्कुल सेम रहती है ये। इसी के बाद बात करें गाइस कि ये कहाँ का मॉडल, तो गाइस ये अपने इंडिया में तो नहीं मिलता, लेकिन अभी अपने वियतनाम और थाईलैंड ऐसी कंट्रीज़ में मिलता है। आपको पता है वहाँ पर पावर की थोड़ी ज़्यादा डिमांड है लोगों को, तो इसलिए वहाँ मिलता है। इसी के साथ साथ बात करें क्या प्राइस होती है इसके अराउंड, तो जो अपनी इंडिया में एक्टिवा सीरीज़ चलती है अराउंड उसी के आसपास प्राइस होती है। अगर अपन कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊँ तो इसका जो नॉर्मल वेरिएंट आएगा 125 सीसी वाला, उसकी प्राइस होगी अराउंड 1,05,000 के आसपास, और जो इसका 150 सीसी का इंजन वाला आएगा उसकी प्राइस होगी अराउंड 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में। अब गाइज, अगर बात करें यार इसके इंडिया में लॉन्च की, तो जैसे आपको पता बहुत सारा कॉम्पिटिशन आ चुका है 125 सीसी सेगमेंट में, तो होंडा डेफिनेटली इसको ला सकता है, क्योंकि जो एक्टिवा का डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है इससे। आप देख सकते हो उसमें पैर वगैरह रखने की जगह काफ़ी अलग है, अंडर सीट स्टोरेज भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवा के मुकाबले, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें और चेंजेस होते हैं, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट पैनल वगैरह किस तरह से है, क्लासी लुक भी आता है इसमें और स्पोर्ट्स लुक, डिजिटल लुक भी आता है पूरा। तो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि होंडा को अगर कुछ चेंजेस लाने होंगे, जैसे TVS ने जुपिटर में लाया था 125 सीसी में, तो होंडा भी एक स्टेप आगे बढ़ता है, कुछ और नया करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली इसे इंडिया में लाएगा। और इसकी लॉन्च डेट की एक्सपेक्टेड बात करें तो अभी जैसे कि जुपिटर लॉन्च हो चुकी है और भी काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन आ रहा है इंडिया में, तो उस हिसाब से देखते हुए लगता है जुलाई तक ये लॉन्च हो सकती है 2022 की, यानी कि 5-6 महीने बाकी है। अब देखते हैं गाइस, कोरोना से डिले होता है तो आगे देखना पड़ेगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर दबा लेना। इन चारों में से कोई भी एक वीडियो देख लेना आपको पसंद आ रही हो तो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस आप सबको।